हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम तीन शेयरों की बात करेंगे, अदानी टोटल एंटरप्राइज, ट्रांसमिशन और ग्रीन एनर्जी की। ये लाइव मार्केट है और यहाँ पर देखें तो अभी 11 बजे के आसपास का समय है। अभी इसका प्राइस अगर देखें तो 2573 रुपये है, 2600 रुपये के आसपास का इसने एक हाई बनाया। लो की बात करें तो 2535, और यहाँ पर अगर देखें तो ये तेज़ी आई और कल ही इसके अंदर न्यूज़ आई कि ये अब ASM लिस्ट के अंदर आ गया। उसका मैंने रीज़न भी बताया है, वो वीडियो कल की जो वीडियो है वो उसके अंदर आप देख सकते हैं। अगर ASM लिस्ट के अंदर क्यों आता है शेयर, क्योंकि ये जब ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, ज़्यादा उठा पटक, या तो तेज़ी या तो करेक्शन, तो वो मैं आपको बता दूं। और सबसे पहले तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस शेयर के ऊपर अगर देखें तो पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर डेली अपडेट हम लाते रहते हैं, साथ ही साथ हम हमारे दूसरे वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। और ये अगर देखें तो कल की शॉर्ट वीडियो से डोनियर इंडस्ट्रीज, इसको आप देख सकते हैं, तब इसका प्राइस 95 रुपीज़ था और आज इसने देखे तो 96 रुपीज़ से लेकर सवेरे 102 रुपये तक गया था, 6% के आसपास के रिटर्न। और दूसरे शेयर के अंदर भी जो है अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, तो मतलब कि आप सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो और कुछ शेयर होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं, कुछ में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और कुछ के अंदर जो है बहुत ही कम ऐसे शेयर होते हैं जिसके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर होता है। तो जो भी करें स्टॉप लॉस लेकर करें, ये मैं हमेशा कहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर इसके वॉल्यूम हम देख लेते हैं, इसके अंदर अभी देखें तो डिलीवरी कितनी रही, तो 5 लाख के आसपास की यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरेबल वॉल्यूम रहा। और ये भी अच्छी बात है कि ठीक ठाक डिलीवरी हो रही है। शेयर जो है जो इसके अंदर वॉलेटिलिटी जो अभी उठापटक जो बन रही थी वो कम हो रही है, इससे जो है इन्वेस्टर को एक्चुअली थोड़ा सा जो है फायदा होता है, क्योंकि अक्सर इसके अंदर जो है भूल कर जाता है इन्वेस्टर, ऊपर चला जाता है उसके बाद नीचे। अगर ये वन वे रैली के अंदर 3000 तक गया होता तो वापस से नीचे भी उसी जो है रैली से आता है। और इस ऐसी सिचुएशन में आप ये भी समझिए कि कई लोग जो होते हैं बाय करने का जो है मौका भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर अभी देखें तो ये 15 मिनट का चार्ट, यहाँ पर जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पर एक ये लेवल है जो कि तकरीबन 2560 रुपये के आसपास का है। एक ये जोन भी था और एक ये जोन भी था, इसको इसने पार किया और यहाँ पर अभी ये जो जोन है इसी के आसपास ये अभी काम कर रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है ये 2600 का कल ही मैंने बताया था, ये भी एक लेवल एक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसको अभी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने पार नहीं किया, मैंने बोला था कि इसको ये पार करे और अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करे तब इसके अंदर जो है एक ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। और इसके ऊपर डेली अगर आप इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो डेली अपडेटेड रहना भी जरूरी है। काफ़ी लोग इसके ऊपर ऊपर के लेवल के ऊपर जो है फंसे हुए हैं। इसके पहले भी मैंने क्लियरली बोला था कि इसके अंदर जो है करेक्शन आ सकता है। और यहाँ पर अभी देखे जब इसका प्राइस एक्चुअली यहाँ पर था 2650 के आसपास, तब भी मैंने बोला था कि ये 2750 या उसी के आसपास अभी जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, और कई लोगों को इससे जो है फ़ायदा भी हुआ है। अब वो नीचे में बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने उसमें अंदर भी मैं बोलता हूँ हमेशा जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है वो आप अपना सकते हैं, कि अगर आपको बाइंग करनी है तो कर सकते हैं। किसी भी शेयर की बात कर लीजिए, 2 से 3 स्टेप में बाय कर सकते हैं, भले इसके अंदर जो है प्रॉफिट कम मिले, आप आधा आधा करके बाय कर सकते हैं। आप अगर आप बाय करें और शेयर ऊपर निकल जाए आपको अफसोस नहीं करना है, मतलब कि ये नहीं कि अभी पूरा शेयर बाय कर लिया होता तो ज़्यादा मुनाफा मिलता। लेकिन अगर आपको नीचे आपका ट्रेड अगर गलत हुआ, थोड़ा सा नीचे हुआ, तो आपको एक एवरेज करने का जो है मौका मिलता है। अगर आप पूरा का पूरा शेयर या एक ही बार में खरीद लेते हैं और अगर वो शेयर नीचे आ जाता है तो आपको आपके पास सिर्फ एक वेट करने के अलावा कुछ भी जो है आपके पास मतलब कि एक चांस जो है वो रहता नहीं है। तो भले ही प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन ये 2 से 3 स्टेप में अगर बाय करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी मर्जी आपकी है, मेरी स्ट्रेटजी तो हमेशा यही रहती है। और यहाँ पर अगर देखें तो इसके 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी वही चीज़ दिख रही है कि जो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और ये डेली चार्ट इसका फिर से, और ये इसका 200 दिनों का जो है मूविंग एवरेजेस लगाया इसी के ऊपर अभी ये बरकरार है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हाँ इसके ऊपर निकल जाता है, क्योंकि अभी ये कोबरा पैटर्न यहाँ पर बना रहा है। ये तेज़ी आने के बाद अभी ये कंसोलिडेशन हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है सेल करने आ सकते हैं। और ये बिल्कुल यहाँ पर वहीं हुआ 2750 के आसपास, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। और जब से ASM लिस्ट में आया है ये 2 दिन, अगर आप देखिए कल भी थोड़ा सा वॉल्यूम कम था, आज भी वॉल्यूम कम रहने की आशंका है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2750 जो है एक अभी फिलहाल एक हर्डल बन गया है, इसके ऊपर जाना थोड़ा सा अब थोड़े दिनों के लिए अगर देखें तो मुश्किल है। हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम अभी यहाँ पर सेलर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, जिन्होंने वो जाहिर सी बात है यहाँ पर बाइंग की होगी। शॉर्ट टर्म में अगर इतना रिटर्न मिलता है तो वो जाहिर सी बात है कि उसको सेल कर देंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो अभी सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर आज के दिन प्योरली अगर देखें तो सपोर्ट अभी जो है 2550 रुपये के आसपास दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 2525 रुपये, और यहाँ पर फाइनल अभी अगर फिलहाल देखें तो 2500 का जो जोन है वो अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर थोड़ा सा लंबा अगर देखें तो ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 2450 रुपये है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन यही है 2600 का लेवल, और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर अभी ये फिलहाल जा पाएगा। अगर फिर भी जाने की कोशिश करता है तो 2620 और 2640 का जो जोन है यहाँ पर भी अभी देखें तो थोड़ा सा एक सप्लाई जोन अभी ये बन सकता है। फिलहाल ये 2600 के ऊपर जाता हुआ आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ नहीं दिख रहा है। और इसके ऊपर हम वीकली चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, कल वीकेंड है शनिवार और रविवार को, तो वो वीडियोज़ भी आप जरूर देखें। और साथ ही साथ इसके जो फंडामेंटल है उसकी हम एनालिसिस करेंगे कि इसका वैल्यूएशन कैसा है, लॉन्ग टर्म में यह कैसा रह सकता है, तो वो वीडियोज़ भी आप जरूर देखें, तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये दूसरा शेयर है अदानी ग्रीन एनर्जी, इसके अंदर भी अगर देखें तो आज ये फ्लैट सा रुझान है, और कल भी है इसके अंदर मैंने बोला था कि अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। और 31 मई इसके अंदर अगर देखें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ लोगों को मैंने मतलब कि मुझे कमेंट्स आए थे, लेकिन जो अदानी टोटल गैस और ट्रांसमिशन है उसके अंदर MSCI की न्यूज़ है कि वो शेयर बेच सकते हैं, तो इसका इफेक्ट जो है इसके ऊपर थोड़ा सा पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो एक साथ चलता है। अभी अगर देखें जैसे कि यहाँ पर
इसका प्राइस अभी 973 रुपये है। अभी ये तीनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहे हैं और ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैं जो है बार बार मैंने बोला है और इसका एक रीज़न है जिनको नहीं पता, ईडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले बार बार इसको ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वो जा नहीं पाया। ये पहली बार है कि ये पाँचवा दिन है इसके ऊपर टिका हुआ है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इसके अगर वॉल्यूम की बात करें तो ठीक ठाक वॉल्यूम है, सिर्फ 1,65,000 के आसपास का डिलीवरी उठी है अभी तक 11 बजे तक। और ये 15 मिनट का चार्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम सा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है लेकिन यहाँ पर अभी जो है ये थोड़ा सा पोज ले रहा है ऊपरी लेवल पे 980 के आसपास, अभी भी इसके अंदर जो है एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर इसको आप ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे कि आज इसके अंदर जब खुला तब ये 980 के आसपास गया, तुरंत ही इसके अंदर 5 मिनट भी यहाँ पर ये टिक नहीं पाया तो कहीं ना कहीं अभी इसके अंदर थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन होना अब और ये ज़रूरी भी है। और ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रायंगल शेप का पैटर्न भी बन रहा है अगर आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो। और यहाँ पर अभी अगर देखें तो फिलहाल ये वीकली चार्ट है और इसके अंदर भी देखें तो ये कुछ हैमर पैटर्न सी यहाँ पर जो है एक बन रही है और ये थोड़ी सी दिक्कत जो है हो सकती है। अगर ये बस इसके अंदर अगर देखें तो 950 रुपये के आसपास आज के दिन की अगर बात करें क्योंकि आज आखिरी दिन है वीक का तो इसी के आसपास जो है अगर ये क्लोजिंग नहीं देता ये अच्छी बात है। अगर 960 रुपये तक भी ये नीचे थोड़ी सी बहुत क्लोजिंग दे तो अच्छा रहेगा, बाकी वरना अगर ये अगर हैमर कैंडल बेरिश हैमर कैंडल बनी वो भी वीकली चार्ट के ऊपर तो आने वाले हफ्ते में थोड़ी सी जो है दिक्कत रह सकती है तो उसके बारे में भी हम शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर आती है। आगे अदानी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो 864 का प्राइस, इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एक प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये मैंने कल भी बोला था कि इसके अंदर जो है एक करेक्शन आ सकता है और इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ये कल की वीडियो है, शाम की मैंने बनाया था, इसके अंदर क्लियरली मैंने बोला है कल थोड़ी सी गिरावट संभव है। रीज़न वही है कि MSCI वाले इसके अंदर सेल का अभी भी उसकी सेलिंग हो सकती है कि ये चालू हो और उनको मैं जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि 31 मई तक ये अपनी सारी की सारी जो सेलिंग है उसका जो वो जो है वो बेच सकते हैं और अभी कुछ ही शेयर बाकी हो गए लेकिन तब तक जो है इसके अंदर थोड़ा सा ये प्रेशर बना हुआ रह सकता है। और यहाँ पर अभी देखें तो इसी वजह से जो इसके अदानी टोटल गैस के वीडियो भी मैंने बनाया था उसके अंदर आपकी होल्डिंग है इंटरेस्ट है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो डिलीवरी पोजीशन है वो काफ़ी जो है दमदार है तो कोई ना जो अगर हो सकता है कि MSCI वाले बेच रहे हो और कोई नए बायर जो है वो इसके अंदर आ रहे हो। आज भी अगर देखें तो अभी 11 बजे तक ही इसके अंदर 6,35,000 के आसपास की डिलीवरी उठ चुकी है और 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि यहाँ पर इसने तब इसके अंदर एक तेज़ी आ रही थी, एक सर्किट लग रहा था, तभी भी मैंने बोला था कि अब आगे जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बिकॉज यहाँ पर एक 50% का रिट्रेसमेंट है, तेज करेक्शन आया उसके बाद तेज़ी आई उसके बाद का और वहाँ से लेकर अब तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक इसके अंदर मतलब कि करेक्शन आया और यहाँ पर अभी जो फिलहाल जो लेवल दिख रहे हैं जब तक ये अभी ये 900 रुपये का जो जोन है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट बन गया है, इसको जब तक ये पार नहीं करता 900 से 920 का जो जोन है तब तक इसके अंदर फ्रेश तेज़ी नहीं आ सकती। और फिलहाल अभी देखें तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पर अभी जिस प्राइस के ऊपर है 963 के आसपास तो वहाँ पर अभी थोड़ा सा जो है सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ता है तो थोड़ी सी गिरावट और इसके अंदर आ सकती है, बाकी ज़्यादा इसकी जो है इसके अंदर लोअर सर्किट की जो आशंका है वो कम है अभी। और ये फिर से इसका वीकली चार्ट भी हमने लगाया है तो यहाँ पर भी जो है वही दिक्कत की बात दिख रही है, बेरिश हैमर कैंडल यहाँ पर भी बनती हुई दिख रही है। अब ये भी जो है लोअर सर्किट के आसपास बंद ना हो तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा बहुत इसके अंदर अगर बाउंस दिखने को मिले ये जब बाजार बंद हो तो जो है अच्छा रहेगा, बाकी अगर थोड़ी सी ये अगर बेरिश कैंडल बने जैसे कि यहाँ पर है आप ये खुद देख सकते हैं जब ये बेरिश कैंडल बनी थी उसके बाद ये जो हाई है इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया था और एक इसके अंदर डाउन ट्रेंड हो गया तो ये जो है बेरिश कैंडल होती है और इसका रास्ता भी है और इसको इसके अंदर फ्रेश तेज़ी तभी आती है जब अगर ये बेरिश कैंडल बनती है तो ये जो इसका हाई है इसको तोड़कर जब ये ऊपर निकलता है तब जो है इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, तब तक जो है इसके अंदर या तो गिरावट या तो एक थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर प्रेशर में ये रह सकता है। और इसका हाई अगर देखें अगर ये वीकली चार्ट का तो ये 934 रुपये है तो ये जो है सारी की सारी बातें आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इसके अंदर तो इसके ऊपर आप अपनी सारी की सारी बातें के ऊपर नजर बनाकर रखें। और आज के वीडियो में इतना ही, वैसे इसके अंदर भी ऐसा ही लग रहा है कि ये अभी थोड़ा बहुत इसके अंदर प्रेशर बना रह सकता है, दोपहर के बाद देखते हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा अगर बाउंस बैक आता है तो अच्छा रहेगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर प्रेशर बना रह सकता है अभी भी और 850 से लेकर 855 का जो जोन है यहाँ तक ये आ सकता है। और आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को आपके इसके अंदर अगर होल्डिंग है तो, क्योंकि डेली अपडेट हम लाते रहते हैं और हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियोस। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद एक डिसीजन ले, डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।